प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय गांधी सभागार में 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में महाकुंभ में साधु संतों के शिविरों की उत्तम व्यवस्था, गंगा के निर्मल जल, संगम क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त जोन हो, आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम पथ मिले, कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों को सुरक्षित रास्ते मिले, हाथरस में भगदड़ के दृष्टिगत सभी संतों ने कुंभ मेला अधिकारी एवं डीएम कमिश्नर एडीजी की मौजूदगी में इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया। महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के संबंध में अखाड़ों के साथ आज बैठक हुई। ये जो नियमित बैठकें हैं उसके क्रम में हुई है। इसमें हमारे सारे भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, हमारे मंडलायुक्त साहब, हमारे पुलिस आयुक्त साहब, हमारे आईजी रेंज प्रयागराज परिक्षेत्र साहब, हमारे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद साहब और हमारे मेला पुलिस अधिकारी और डीआईजी साहबान सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। कुंभ मेले से पूर्व ये दूसरी बैठक है जो कि प्रशासन के साथ सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि यहाँ आए और इस बैठक में भाग लिया है। तो कुंभ मेला कैसे बेहतर ढंग से संपन्न हो, क्योंकि यह एक विश्व का सबसे बड़ा एक पर्व है जो कि भारतीय सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो यह कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से और बेहतर ढंग से संपन्न हो, इसके लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या क्या हम आपस में एक दूसरे सबका सहयोग कर सकते हैं, तो उन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी।